उमरान मलिक, अर्शदीप सिंह, मोहसिन खान, खलील अहमद, टी नटराजन, ये हैं उन पांच फास्ट बॉलर्स के नाम जो टीम इंडिया के दरवाजे पर एंट्री के लिए दस्तक दे रहे हैं। इन पांचों का अब तक कैसा रहा आईपीएल 2022 में प्रदर्शन और कौन है इनमें सबसे मजबूत दावेदार, इस पर स्टोरी में आगे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे अपील, देशनामा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन बटन दबाने की, जिससे हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जैसा कि आप जानते हैं कि 29 मई 2022 को आईपीएल के चैंपियन का फैसला होते ही सभी क्रिकेट प्रेमियों की नजरें साउथ अफ्रीका के साथ होने वाली घरेलू सीरीज पर टिक जाएंगी। ये सीरीज 9 से 19 जून तक होनी है। इसके बाद भारत को आयरलैंड और इंग्लैंड के टूर करने हैं। आयरलैंड के खिलाफ दो T20 मैच 26 और 28 जून को होने हैं। इसके बाद टीम इंडिया को इंग्लैंड में 1 जुलाई से 17 जुलाई तक एक टेस्ट मैच, 3 T20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। आईपीएल 2022 का आखिरी लीग मैच 22 मई को होना है। उसी दिन साउथ अफ्रीका के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया जा सकता है। जहां तक साउथ अफ्रीका के साथ डोमेस्टिक सीरीज का सवाल है, तो इसमें कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और विकेट कीपर ऋषभ पंत खेलते नजर नहीं आ सकते। इन सभी को इस सीरीज से रेस्ट देते हुए पहले ही इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। इंग्लैंड के टूर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बहुत अहमियत दे रहा है, क्योंकि पिछले साल कोविड-19 की वजह से अधूरी रह गई सीरीज का एक टेस्ट खेले जाना बाकी है और भारत 2-1 से बढ़त बनाए हुए है। अब फिर लौटते हैं साउथ अफ्रीका के साथ अगले महीने होने वाली 5 T20 मैचों की घरेलू सीरीज पर। रोहित शर्मा और केएल राहुल की गैर मौजूदगी में टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या या शिखर धवन में से किसी एक को सौंपी जा सकती है। जसप्रीत बुमराह के टीम इंडिया में ना होने पर कौन से नए फास्ट बॉलर्स टीम में जगह बना सकते हैं, आइए आईपीएल 2022 में सबसे दमदार प्रदर्शन करने वाले पांच बॉलर्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले टी नटराजन की। 31 साल के नटराजन वैसे भारत के लिए एक टेस्ट, 2 वनडे और 4 T20 मैच पहले खेल चुके हैं। मौजूदा आईपीएल 2022 की बात की जाए तो नटराजन को 4 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर नटराजन ने इस आईपीएल में अब तक 11 मैच खेलकर 18 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी रेट 9.44 का रहा। 24 साल के लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर खलील अहमद राजस्थान से हैं और इस आईपीएल सीजन के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा। खलील ने अब तक इस आईपीएल में 9 मैच खेलकर 16 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी रेट 8.08 का रहा। 26 साल के राइट आर्म मीडियम पेसर मोहसिन खान यूपी के रहने वाले हैं और 2022 में आईपीएल में पहली बार खेल रही लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी टीम का हिस्सा हैं। उन्हें 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में ही इस बार ऑक्शन में एलएसजी ने खरीदा। लेकिन छोटी ऑक्शन प्राइस की तुलना में मोहसिन का प्रदर्शन इस आईपीएल में बहुत जोरदार रहा। मोहसिन खान ने 18 मई तक 8 मैच खेलकर विरोधी टीमों के 13 विकेट चटकाए। उनका इकोनॉमी रेट भी काफी किफायती यानी 5.93 का रहा। डोमेस्टिक क्रिकेट में पंजाब रणजी टीम की नुमाइंदगी करने वाले 23 साल के अर्शदीप सिंह 6 फीट 3 इंच लंबे हैं। मौजूदा आईपीएल सीजन में पंजाब किंग्स 11 के लिए इस राइट आर्म मीडियम पेसर के परफॉर्मेंस ने सभी का दिल जीता है। खास तौर पर पावर प्ले और डेथ ओवर्स में अर्शदीप की सटीक बॉलिंग ने। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अर्शदीप को टीम इंडिया में जगह देने के लिए जोरदार वकालत की है। 4 करोड़ रुपए की ऑक्शन प्राइस वाले अर्शदीप ने मौजूदा आईपीएल में 13 मैच खेलकर 10 विकेट लिए। उनका इकोनॉमी रेट 8.42 का रहा। अब बात उमरान मलिक की। जम्मू के फ्रूट सेलर के बेटे 22 साल के उमरान को मौजूदा आईपीएल का सबसे चर्चित प्लेयर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। उमरान ने रफ्तार को लेकर तो पिछले साल ही आईपीएल में अपने आगाज से सबको हैरान कर दिया था।
सनराइजर्स हैदराबाद ने उमरान को इस सीजन के लिए 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया। इस बार भी रफ्तार की बात की जाए तो उमरान ने 157 किलोमीटर प्रति घंटा की गेंद फेंक कर तहलका मचा दिया, जो आईपीएल इतिहास की शॉन टेट के बाद दूसरी सबसे तेज गेंद है। उमरान मिडिल ओवर्स में बेहतरीन बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन पावर प्ले और डेथ ओवर्स में उन्हें किफायती रहने के लिए मेहनत करनी होगी। उमरान ने इस आईपीएल में 13 मैचों में 21 विकेट चटकाए हैं। उनका इकोनॉमी रेट 8.94 का रहा है। पांचों बॉलर्स के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो टीम इंडिया की कैप पहनने के लिए उमरान मलिक और अर्शदीप सिंह दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं। कौन टीम इंडिया में जगह बना पाएगा, ये 22 मई को बीसीसीआई की ओर से टीम के ऐलान के बाद साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देशनामा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।